नमस्कार, मैं उत्कर्ष और स्वागत है आपका अमरउजाला.com पर। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट के आदि हैं और QR कोड से स्कैन कर पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। पेमेंट के बहाने QR कोड स्कैन कर लाखों की ठगी करते दो शातिर बदमाशों को पुलिस ने मथुरा से गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों ने मिलकर राजस्थान के सीकर में करीब 1.5 लाख की ठगी की है। उत्तर प्रदेश पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। अब ठगी का इन दो बदमाशों का तरीका आपको बताते हैं, जिसकी मदद से ये आम नागरिकों को बेवकूफ़ बनाकर लाखों की ठगी करते थे। SI ब्रजेश सिंह ने बताया कि आरोपी सतीश डॉक्टर और लेक्चरर बनकर बात करता था। सतीश दवा मंगवाकर मेडिकल स्टोर वाले को पेमेंट करने के बहाने QR कोड नंबर भेजकर उसको स्वीकार करने के लिए बोलता था। जैसे ही सामने वाला स्कैन करता, उसके खाते से रुपए पार हो जाते। अब अंत में आपको बताते हैं कि इस तरह के मामलों पर एक्सपर्ट क्या राय रखते हैं। पुलिस तथा डिफेंस एडवाइजर के साइबर एक्सपर्ट उम्मेद मील ने बताया कि अक्सर साइबर अपराधी सामने वाले को बोलता है कि मेरा वॉलेट पैसे भेज नहीं पा रहा है, इसलिए मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ। आप स्कैन करने के बाद उसमें तय अमाउंट भरकर पैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही साइबर अपराधी द्वारा भेजे गए QR कोड को कोई व्यक्ति स्कैन करता है तो उसका ई वॉलेट खाता पैसे भेजने के मोड में आ जाता है। इसके बाद ठग जितने पैसे भरकर सेंड बटन पर क्लिक करता है, पीड़ित के खाते या वॉलेट से उतने पैसे निकल जाते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।